Hello friends, in this video we will discuss three more modals, dare, need and used to, from spoken, written as well as grammar point of view. So let's start our topic. These three modals, dare, need and used to. First of all, we will discuss dare. Ab dare model kis liye lagta hai? To question somebody's courage. Means किसी ने कुछ हिम्मत दिखाई और हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तेरी ये हिम्मत कैसे हुई. हम रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी ने हमारा पेन चुरा लिया और पेन ले लिया तो हम क्या कहते हैं, मेरे पेन को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे घर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बैग को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई. तो वो काम हो चुका है, अब हम किसी के साहस पर क्वेश्चन कर रहे हैं. तो ऐसे हम सेंटेंसेस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा बनाते हैं. तो ऐसे कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल, हाउ डेयर यू टच माय नोटबुक, मेरी नोटबुक को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई. सेंटेंस शुरू होगा हाउ से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा और हाउ के बाद आपने डेयर लेके आना है जो मॉडल है. मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है. उसके बाद यू आ सकता है, ही आ सकता है. आप ये भी कह सकते हैं हाउ डेयर ही टच माई नोटबुक, जरूरी नहीं आपने यू यूज करना है. हाउ डेयर शी एंटर माई हाउस, हाउ डेयर शी कॉल मी. तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ही, शी, यू, राम, मोहन, कुछ भी डाल सकते हो. इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनेगा. सो हाउ डेयर यू टच माई नोटबुक और हाउ डेयर यू ऑपरेट माई मोबाइल, मेरे मोबाइल को चलाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई. तो ऐसे हम सेंटेंसेस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो, दैट्स क्वाइट इजी. सेंटेंस हमने हाउ से शुरू करना है, उसके बाद डेयर लेके आना है और उसके बाद सब्जेक्ट लेके आना है. सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हो और ये सारे मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. अब हम सेकेंड रूल करते हैं. एक एग्जाम्पल और भी है, हाउ डेयर यू कॉल मी, मुझे फोन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू टेक्स्ट मी, मुझे मैसेज करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई. तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डेयर, जिसमें हम किसी के साहस पर क्वेश्चन उठाते हैं. दूसरा डेयर होता है टू शो लैक ऑफ करेज. अब साहस की कमी दिखाने के लिए भी हम डेयर का प्रयोग करते हैं. जैसे हम रियल लाइफ में हम कई बार कहते हैं ना कि वो मेरे पेन को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो मेरे मोबाइल को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो हम उसके साहस की कमी दिखा रहे हैं, लैक ऑफ करेज दिखा रहे हैं. तो लैक ऑफ करेज आपने दिखाना है तो भी डेयर यूज करना है, लेकिन ये जो सेंटेंस होगा ये नेगेटिव होगा, इसमें डेयर नॉट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट ऑपरेट माई मोबाइल, वो मेरे मोबाइल को चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता. He dare not text me, वो मुझे मैसेज करने की हिम्मत नहीं कर सकता. तो पहले वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, जिसमें हमने किसी के साहस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसने हिम्मत की, कोई काम किया, हम उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं. और दूसरा जो यूज है डेयर का, वो साहस की कमी को दिखाने के लिए करते हैं. तो हम ऐसे रियल लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो आप कर सकते हो. He dare not visit my house, मेरे घर आने की वो हिम्मत नहीं कर सकता. So I think you are able to understand the use of dare. Dare के मैंने दो रूल डिस्कस किए हैं, to question somebody's courage, मेरे पेन को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे सामान को हाथ लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, और वो इस चीज की हिम्मत नहीं कर सकता. हम इस प्रकार के सेंटेंसेस रियल लाइफ में बहुत सारे बनाते हैं. अब हम करते हैं नीड. नीड जो है वो मस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट होता है. मैंने मस्ट पे वीडियो बनाई है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी की हुई है, डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट. उसमें हमने कहा था कि मस्ट क्या लगता है, नेसेसिटी के लिए, आवश्यकता के लिए, और नीड किस लिए लगता है, टू शो लैक ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की कमी को दिखाने के लिए. जब डायर नेसेसिटी होती है तो हम मस्ट लगाते हैं, आवश्यकता को दिखाने के लिए मस्ट लगाते हैं, लेकिन आवश्यकता की कमी को दिखाने के लिए हम नीड लगाते हैं. जैसे हम कई बार सेंटेंसेस बनाते हैं कि आज स्कूल बंद है, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है. सो द स्कूल इज क्लोज्ड टुडे,
यू नीड नॉट गो टू स्कूल। तो पहले वाले सेंटेंस से हमें पता चल गया कि स्कूल आज बंद है, इसलिए आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अब ग्रामर में आप कैसे ध्यान रखोगे, आपको सिचुएशन दी होगी, जैसे पहले सेंटेंस में सिचुएशन दे दी गई, द स्कूल इज क्लोज टुडे, तो इसी से हमें पता चल गया। नेक्स्ट सेंटेंस में हमें ग्रामर में क्या दिया होगा, यू ही शी कुछ भी आ सकता है, यहाँ ब्लैंक दिया होगा और नॉट गो टू स्कूल। तो आप पहले वाले सेंटेंस से दूसरे वाले सेंटेंस को कनेक्ट करके समझ सकते हो कि यहाँ आवश्यकता की कमी है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, बारिश बाहर नहीं हो रही। यू नीड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला ले जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंस से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आवश्यकता की कमी दिखानी है तो हम क्या यूज करते हैं, नीड यूज करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड मॉडल की तरफ आज की वीडियो में, एंड दैट इज यूज्ड टू। ये बहुत बार यूज होता है, यूज्ड टू। यूज्ड टू का पहला रूल है फॉर पास्ट हैबिट्स, भूतकाल की आदतों को दिखाने के लिए। अब पास्ट हैबिट्स का मतलब ये है कि वो काम हम पहले करते थे, आजकल नहीं करते, यही है ना। पास्ट हैबिट्स का मीनिंग तो यही हुआ कि हम वो काम पहले करते थे, आज नहीं करते। तो अगर आप अपने किसी भी पास्ट हैबिट के बारे में बोलना चाहते हो तो आप यूज टू लगाइए। जैसे आई यूज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मैं पहले रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि आजकल मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जाता। पास्ट हैबिट्स का मीनिंग ये है कि आप वो काम पहले करते थे। आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेला करता था। इट मीन्स आजकल आप बैडमिंटन नहीं खेलते। तो आई यूज टू प्ले बैडमिंटन बट नाउअडेज आई डोंट, मैं आजकल नहीं खेलता। तो पास्ट हैबिट्स जो आप पहले करते थे आज नहीं करते, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। अब जो पास्ट हैबिट्स हैं, पास्ट हैबिट्स के लिए तीन चीजें लगती हैं। एक लगता है यूज टू, एक लगता है वुड। वुड भी पास्ट के लिए लगता है, मॉडल वुड भी पास्ट हैबिट्स के लिए लगता है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है, आई यूज टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आई वुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, कि मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। तो यूज टू की जगह आप वुड भी लगा सकते हो, वुड भी पास्ट हैबिट्स के लिए लगता है। आई वुड प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेला करता था। तो पास्ट हैबिट्स के लिए एक तो आप यूज टू लगा सकते हो, एक आप वुड लगा सकते हो। और पास्ट हैबिट्स के लिए हम एक तीसरी चीज भी लगा सकते हैं पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए, और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करके भी हम अपनी पास्ट हैबिट्स को दिखा सकते हैं। तो पास्ट हैबिट्स के लिए आप इन तीन में से कुछ भी लगा सकते हो, यूज टू लगा सकते हो, वुड लगा सकते हो, और सेकेंड फॉर्म भी लगा सकते हो। अब ऊपर वाले सेंटेंस को मैं पास्ट टेंस यूज करके बताता हूँ। आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मैं मॉर्निंग वॉक डेली जाया करता था, मीन्स आजकल नहीं जाता। बैडमिंटन वाले को, आई प्लेड बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेला करता था लेकिन आजकल नहीं खेलते। तो आपको ध्यान रखना है, इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, तो पास्ट हैबिट्स के लिए हम तीन चीजें लगा सकते हैं, यूज टू, वुड एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस रूल ऑफ यूज। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड रूल ऑफ यूज। यूज टू किस लिए लगता है, टू शो एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग एंड समबडी, किसी चीज या किसी व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, उसके अस्तित्व को दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि ये चीज। कई बार आप क्या कहते हो, आपने किसी की कार देखी, आपने क्या कहा, हाँ ये सेम कार हमारे घर में भी हुआ करती थी, है ना, हमारे घर में भी एक डॉग हुआ करता था, हमारे घर में एक बफलो हुआ करती थी, मींस हुआ करती थी, पहले वो एग्जिस्ट करते थे, आज वो एग्जिस्ट नहीं है। हम ऐसे सेंटेंस बहुत यूज करते हैं, हमारे गांव में एक मंदिर हुआ करता था, आजकल नहीं है, पहले हुआ करता था, ठीक है। तो जब आप किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हो, पास्ट एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हो,
कि पहले वो चीज हुआ करती थी, पास्ट एग्जिस्टेंस, तो आप यूज टू लगाओगे। जैसे ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो देयर से शुरू होंगे, हमेशा सेंटेंस ऐसे शुरू होगा, दे आर यूज टू बी, उसके बाद जो आपने बताना है बता दीजिए। जैसे मैंने बताया कि हमारे गांव में मंदिर हुआ करता था इस गांव में, तो मैंने क्या कहा, दे आर यूज टू बी अ टेम्पल इन दिस विलेज, इस गांव में मंदिर हुआ करता था, इसका मतलब आजकल मंदिर नहीं, टू शो पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। एक सेंटेंस और देखिए, मान लो आपके गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति था, अब उसकी डेथ हो गई, तो अगर आपने बताना है कि हमारे गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति था, तो आप क्या कहोगे, दे आर यूज टू बी, सेम टू सेम रहेगा, आगे जो आपने एग्जिस्टेंस बताना है वो चीज लेके आनी है। दे आर यूज टू बी ए पर्सन हैविंग द नेम, बियरिंग द नेम, आप कैसे भी बोल सकते हो, दे आर यूज टू ए पर्सन बियरिंग द नेम, हैविंग द नेम रामलाल इन दिस विलेज, कि इस गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति हुआ करता था। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे आप कह सकते हो कि हमारे घर में एक ट्रैक्टर हुआ करता था, दे आर यूज टू बी, लगाना ही लगाना, आप क्या कहोगे, दे आर यूज टू बी अ ट्रैक्टर इन आवर हाउस, ठीक है, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तो दे आर यूज टू बी अ फ्रेंड, दे आर यूज टू बी अ फ्रेंड, एक दोस्त हुआ करता था। तो इस प्रकार आप किसी भी चीज का या किसी व्यक्ति का पास्ट एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हो कि वो चीज हुआ करती थी, तो आप यूज टू लगाओगे। तो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ देयर, नीड एंड यूज टू, जो हम अपनी रियल लाइफ में काफी टाइम्स, मैनी टाइम्स इसको यूज करते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि हमें कुछ सीखने को मिला है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सो दैट दे मे आल्सो बी बेनिफिटेड। आपके चैनल ऑक्सब्रिज इंग्लिश की ऐप भी बनके तैयार हो चुकी है, जिसका नाम भी ऑक्सब्रिज इंग्लिश है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऐप का, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, और लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, लिटरेरी टर्म्स और ग्रामर्स की बहुत सारी वीडियोस वहां पर आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।